नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो यूपी ट्रिपल एससी ने जैसे ही कैलेंडर आपका दिया था कि हम ऐसे ऐसे वैकेंसी को निकालेंगे, उसी क्रम में इन्होंने मंडी परिषद जो इतने दिनों से आपके सालों से रिजल्ट जो पेंडिंग था उसे पूर्णतः पूरा रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया है। कट ऑफ आपका दे दिया है कि फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ है। तो मंडी परिषद ये 2018 का विज्ञापन था, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ये 2018 का विज्ञापन है और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग 2018 का ये परीक्षा था। इसके अंतर्गत आपके टोटल कितने पद थे इसमें, तो टोटल 272 पद थे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करें आंसू लिपिक के, मतलब स्टोनो वाले 10 थे, कनिक सहायक के 18 पद थे, कनिक सहायक विशेष चयन के 17 पद थे, लेखा लिपिक के 36 पद थे, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के 10 पद थे, मंडी निरीक्षक अमीन जिसे बोला जाए 181 पद इनके ज्यादा थे। तो टोटल 272 पद थे जिसमें से 219 पदों पर आपके यहां पर सिलेक्शन हुआ है। आपके 10 जो पद हैं ये आंसू लिपिक वाले तो मिले ही नहीं। साफ साफ यहां पर डेटा में आप जब देखोगे तो यहां बोला गया है कि ये आंसू लिपिक वाले लोग मिले ही नहीं। तो सभी के अलग अलग पद थे उनके यहां पर, देखिए ये आपको मैं बता दूं, बाकी सब चीजें वही लिखी हुई हैं। यहां रोल नंबर उनका लिखा है जिनका अंतिम चयन हुआ है डीवी के बाद, तो जिन कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन में जिनका हुआ है उनका रोल नंबर दिया गया है, फिर विशेष चयन में जिनका हुआ है, लेखा लिपिक में जिनका हुआ है उनका है यहां पर। और एक बात देखिए आंसू लिपिक वाले में बोला है कि उक्त पद के सापेक्ष आहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ, इसीलिए ये पूरी सीट आपकी क्या हो गई, खाली चली गई। ये ध्यान रखिए क्योंकि अभ्यर्थी ही नहीं मिले इनको पात्र। तो अब यहां पर देखते हैं, ये आपका पूरा का पूरा रोल नंबर है उनका। अब नीचे आते हैं इस पीडीएफ में, तो यहां पर आपको कट ऑफ दिया गया है कि कट ऑफ क्या गया। आंसू लिपिक का कट ऑफ तो बताया नहीं क्योंकि कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो यहां अगर कनिष्ठ सहायक जो सामान्य वाला है, सामान्य चयन, उसके जो गए हैं 262.32 गया है, और इसमें 239 गया है अंतिम चयन जो इसका हुआ है। अंतिम चयन अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक, शैक्षिक अहर्ता एवं कुशल खिलाड़ी के सापेक्ष पद अंकों के सहित, और यहां पर अंतिम चयनित अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक 239.32 है। बाकी आपके जो कुशल वाला है उसे लेते हुए आपका 262 आपका ये हुआ है 0.32, और ये आपका डीओबी दिया गया है, इनमें आपके कहीं ना कहीं उपलब्ध ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें तो विज्ञापन ही नहीं था, इसके भी ओबीसी के भी जो है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। अब यहां पर देखिए बाकी आरक्षण में दे दिया गया कि कोई नहीं मिला। सहायक आपका जो इस वाले में कनिक सहायक वाले में, विशेष वाले में आपका देखिए 220 और लिखित वाले में 190, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से आते हैं यहां पर लास्ट में, हाँ ये किसका है, लेखा लिपिक का है। इसमें आपका जो गया है 212 नंबर गया है, अनुसूचित जाति का 174 गया और ओबीसी कामीन वाले में यहां 198 गया है। ये लेखा लिपिक वाले में है, क्लर्क वाले में, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद से मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 वाले में 305 कट ऑफ गया है, अनुसूचित जाति का 269 का गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग 298 गया है। इसके बाद से आते हैं यहां पर अमीन का, जो सबसे ज्यादा जिसके पद थे उनमें बता दें तो 262 नंबर इनका गया है अंतिम चयन, अनुसूचित जाति का 198, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो गए हैं वो 244 गया है कट ऑफ। तो ये आपके कट ऑफ की लिस्ट है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो आप 2018 से जिसका वेट कर रहे थे, आपका रोल नंबर आ चुका है डीवी के बाद, कई दिनों से ये फंसा हुआ था, तो अब आप देख सकते हैं कि आप किसका चयन हुआ है किसका नहीं हुआ है। बाकी जैसे ही अभी आपके बात करें मुख्य सेविका का, मुख्य सेविका का भी रिजल्ट काफी दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और इसको लेकर योगी जी से मिलने उनके जनता दरबार में गोरखपुर में भी गए, यहां पर भी लोग जा रहे हैं। तो आप जाते रहिए और प्रेशर बनाइए कि जल्दी से जल्दी इसका जो रिजल्ट है उसे घोषित किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि कुछ उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि आगे आने वाले 15-20 दिनों में आपके मुख्य सेविका के रिजल्ट आपके सामने
देखने को मिले। तो बाकी जो भी सूचना होगी मैं जरूर इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।